हाँ जी बलजिंदर भाई, तुसी देशा दे विच भी काफ़ी समा ला के आए हो ते अज असीं देखिया कि सर्दी का मौसम आ और सर्दियों का मैं कहूँगा कि एक तोहफा ही आ उन्हां दे लई जिहड़े चिकन खाण दे शौकीन ने, ते तुसीं भी अपनी एक छोटी जी हाथ लाई हुई आ, तुहानूं किवें लगदा इधर काम करके क्योंकि विदेशां नूं बहुत लोक पा चलेगा? बई जी पहले तो सब तो पहला तो थोड़ा इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद। तो दूजे नंबर पर गल यह है कि मैं विदेशों के भी 10-12 साल ला के आया, कि 12 साल तो मैं दुबई के 2003 तो मैं गया हुआ सी, लगातार मैं काम किया 12 साल उत्थे, तो उत्थे विदेशों के भी मैं ये काम करिया सूप का, चिकन का सूप, बकरे का खरौड़ियां का सूप, बकरे का मीट, चिकन, ये सारा कुछ उबले हुए अंडे जिदा इदा सारा कुछ मैं बाहर किया हुआ सी, पर मैं लगा कि जिन्ना प्यार मैं इतने मिल रहा उन्ना प्यार मैं उत्थे बाहर नहीं मिल रहा है। मैं जो इतने आया आके मैं देखा कि यार इस चीज़ की साढ़े शहर के लोड़ आ, जोड़े साढ़े खाने वाले वीर से यह चीज़ चाहते थे, तो मैं जो आके देखा कि कई जगह तो मैं गया, जो मैं ये पहले शुरू करने तो पहला मैं खुद पीन गया बहुत जगह पर, जो मैं गया तो हर एक जगह पर मैं जाके देखा कि जी भी चीज़ मिलती सी मसाले वाली मिल रही थी, जो भी मसाले वाली कोई चीज़ असं खाने तो खाने के टाइम जरूर कोई थोड़ा टेस्ट लगता, पर उदू बाद किसी को तेजाब बन जाता, किसी को कोई 100 तरह हर एक तरह की बीमारी लग रही है वो मसालों के नाल। इस करके भीर जी मैं सोचा कि यार आप क्यों ना किसी चंगी वधिया चीज़ दी जाए तो लोगों तो होर भी प्यार हासिल किया जाए, जिवें मैं थोड़े जिहे समय के आके रेहड़ी लाई में अज 10-12 दिन ही होए है, तो पर वाहिगुरू की मेहर इन्नी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा मैनू। मसालों की गल करिए, देखो अजकल कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, स्वाद जिहड़ा कहिंदे मसालों दे नाल ही है ना, हल्दी वैसे नून क्योंकि हल्दी जिहड़ी आ सट्टा लगियां होण तो उन्होंने जोड़ां दे जो कोई दर्द हुंदे जां कोई जाला पाउण वास्ते वह पीड़ दे लई कहिंदे हुंदे अपने आम सियाणां दी कहावत आ कि दर्दां लई वह चीज़ चंगी है, असीं ज़्यादातर जानी यही चीज़ां यूज करदे आ कि काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा मैं, काली मिर्च हो गई जिवें मेरे को, बाकी मैं ज़्यादातर मेरे को अदरक लसन का ही तड़का है सारा, इस करके रेहड़ी का ना ही मैं देसी तड़का रखा है क्योंकि जो भी बंदा खा के जाते मेरे को मेरे को पक्के दोबारा जो एक बार खा गया दोबारा फिर आता भीर जी, इस करके जाने कि मैं आपके तरीके देसी तड़का ना रख के तो लोगों के चीज़ लैके आया तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा। जी नौजवान पीढ़ी आफ्टर प्लस उन्होंने ये लगता जो भविख है वो विदेशों के जाके है, तुम हत्थी काम बहर जाके भी किया पहला भी इतने करते रहे हो गए, तो तुम उन्होंने की मैसेज देना चाहते हो? मैं भी जी सारे यही गल कहनी चाहना कि सब तो पहला तो जी हर बंदा अपना पंजाबी शर्म करता काम करने, काम कोई भी छोटा व्डा नहीं कह सकते गे क्योंकि मैं भी विदेशों के भी यही जाके यही कुछ करते हैं, जो सू हर एक तरह के काम हर बंदे पता कि बाहर जाके की कुछ करना पैदा, तो मैं तो यही चाहना भी जिन्ने भी साडे भैण भरा जिहड़े बाहर जा रहे हैं वो क्यों ना अपना थोड़ा थोड़ा काम इत्थे भी चालू करन, जे अपना कोई इदां दा काम चालू करनगे ते उहदे विच मैनूं तां इह लगदा कि इत्थे यार मैनूं प्यार भी बहुत मिल रिहा ते घरे भी आ परिवार दे विच भी आ मैं आपदे, इस करके मैनूं सारे पासे तों मैनूं ऐ लग रिहा कि मेरे पंजाब वर्गी किते भी कोई जगह नहीं मिलणी गी, मैनूं अपना शहर अपना पंजाब बहुत ही प्यार करदा ते बहुत ही प्यारा लग रिहा, इस करके मैं इत्थे आ के काम कर रिहा ते तां कीता है। अपने को भी जी बिलासपुर तो भी बई जी आ रहे हैं, तो गाजियाने तो भी आ रहे हैं जी, अपने को माणू के पिंड तो भी आ रहे हैं, तकरीबन तकरीबन शहर के तो फिर बहुत ही बंदे आ रहे हैं जी मेरे को, जिहड़ा कोई खा के जाता वो बंदा देखता यार वो कहिंदा दूजी बारी पुछदा बई यार तेरा नंबर लैके जाना जां आके सानू फोन करदा अगला कहिंदा बई बहुत वधिया चीज़ बनी यार मेरे कल नू की बनाओगे इदां पुछ रहे हैं। बिलकुल जी मेरा जो भी जायज़ रेट आ जिवें हुण तुसीं नेड़े ला लो जी चनियां दा सूप आ वो 40 रुपए की प्लेट दे रहे अजकल, तो मैं चिकन की 50 रुपए की दे रहा, तो जिहड़ा मेरे को खरौड़ियां दा सूप आ वो मैं 80 रुपए की प्लेट दे रहा, जिहड़ा मेरे को बकरे का मीट आ जी वो मैं 100 रुपए की प्लेट दे रहा, जिहड़ा मेरे को चिकन आ वो मैं 80 रुपए की प्लेट दे रहा जी, हर एक चीज़ मसालों तो रहत आ, तो खाण दे विच हरेक बंदा खाता तो टेस्ट लगता तो दोबारा फिर भी मेरे को वापस आता है। अक्सर जो आम मुद्दों की गल करिए और बोले बिना रह ही नहीं सकते, तो अज भाई को सूप पीन आए हो किस तरह का टेस्ट है? टेस्ट की गल करिए जी बहुत वधिया टेस्ट आ, मतलब कि नैचुरल तरीके तैयार किया होया है, मैं कदे मार्केट के कुछ बाला खाता नहीं है, पर जो मैं बाई की सिफत सुनी
ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਟੇਸਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਮਸਾਲਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ ਆਹ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਈ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕੱਢੂ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਘਰੇ ਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 15-16 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਲਦੀ, ਆ ਕਿਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ, ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਸੂਪ, ਚਿਕਨ ਦਾ ਸੂਪ, ਮੀਟ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਤੇ ਆਂਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਯਾਰ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਬੀੜਾਂ ਪੀ ਲਈਆਂ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਊਗਾ ਸਰੀਰ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਜ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਊਗੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਗੱਪੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ। ਆਹ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਆਦਤ ਬਣੀ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਫੇਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ।